पंजाब के सुल्तानपुर लोधी के गांव शालापुर बेट से एक बेहद खौफनाक घटना निकलकर सामने आ रही है। खबर के मुताबिक एक टीचर की अनियंत्रित वाहन ने सड़क के मोड़ पर खड़े एक युवक को टक्कर मार दी। इसके बाद युवक को कार की बोनट पर लटकाकर करीब 10 किलोमीटर तक घुमाया। पीड़ित युवक हरमनप्रीत सिंह सुल्तानपुर लोधी में एक निजी एकेडमी में आईलेट्स की पढ़ाई करता है। उसने आपबीती सुनाते हुए कहा कि अध्यापक बलजिंदर सिंह, जो उसके ही गांव के रहने वाले हैं, ने उसे कार से जोरदार टक्कर मार दी और बोनट पर लटकाकर सड़कों पर घुमाता रहा। युवक का आरोप है कि आरोपी टीचर उसे मारने की नीयत से इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि उसने किसी तरह से गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। इस घटना में गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हाँ जी, तो मैं बस्ती गांधा सिंह टिब्बेरी बस्ती गांधा सिंह गढ़े का वासी हाँ जी। अच्छा, तो मैं जी सवेर नूं अकैडमी जा रहा सीगा जी। हाँ जी, तो ये मास्टर बलजिंदर सिंह 26 रम कदमा चलता जी इन्हों। हाँ जी, तो ये स्कूल आ रहा सी अद्धे। ठीक है। हाँ जी, तो स्कूल आ रहा, तो यू मैं देख लिया जी, ये वाल भी ये स्कूले जा रहा वा, तो भी इन्होंने ही भी अरैसट करवाना सी जी। अच्छा, ताड़ी कोई पुरानी लड़ाई लड़ूई का मुकदमा? हाँ जी हाँ जी, पुरानी लड़ाई का मुकदमा चलता जी 26 का। ठीक है जी। हाँ जी, तो मैं आपके चाचा जी ने फोन लाया, सुरजीत सिंह बग्गा जी ने। अच्छा जी। हाँ जी, तो भी आया भी ये स्कूल आ गया अज, तो मैंने चाचा जी ने फोन लाया भी तू रुक पिछे रहना, भी तू नहीं आना कोल इन्हों। ठीक। तो भी अं पुलिस लैके आने। इस विषय पर बोलते हुए पीड़ित युवक के चाचा सुरजीत सिंह ने कहा कि बलजिंदर सिंह पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। उन्होंने आगे बताया कि टीचर बलजिंदर और उनके बीच काफी पुराना विवाद रहा है। वहीं पीड़ित युवक के परिजनों ने आरोपी पर तत्काल पुलिस कार्रवाई करने की बात कही है। मेरी मम्मी पिंड सरपंच बसदी गांधा सिंह वाले दे, साडे ना पिंड बलजिंदर सिंह रहिंदा मास्टर आ जी, क्रिमिनल बंदा वा जी। दो परचे उत्ते अगे चलते 452 का, एक होर चलता सकासा चलता साडे ते, ते वो बंदा ने जिहड़े देखो जी बड़ा बाहरों बंदे बुलाउंदा वा, उहदे सहुरे जिहड़े बड़े क्रिमिनल बंदे आ तेजा सिंह बरिंदपुरीए, बच्चे बच्चे नूं पता उहदा रैपूटेशन। मेरे अज तो 6 महीने पहला गंडासी मार दी सी उन्होंने, तो उत्थे मैं पुलिस बुलाई अपने, मतलब उस जो रिजल्ट वा ग्रीवियस आया सीगा, तो पुलिस जिहड़ी आ उह साडे पिंड काफ़ी 4-5 घंटे बाद आई सी। पीड़ित के परिजनों का कहना है कि आरोपी पर कार्रवाई होने तक संघर्ष जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ इस घटना की सीसीटीवी वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सवेरे तकरीबन 10:20 बजे सवेर के टाइम 26 तरीक है अज, एक पेशेंट साढ़े को हरमनप्रीत सिंह आया है गंधा सिंह वाले का, अलैश्ड हिस्ट्री ऑफ रोड साइड एक्सीडेंट, तो पेशेंट के सट्टा लगिया ना, असं उन्होंने दाखिल किया हुआ इलाज अधीन इतने दाखिल है, तो पुलिस इन्फॉर्मेशन भी असं सेंड कर चुके हैं, फिर उसके अगे जिमें भी रिपोर्ट आएगी वो अकॉर्डिंग असं एड कर। दाखिल है मरीज? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल दाखिल है, अंडर ऑब्जर्वेशन है। वहीं दूसरी तरफ बलजिंदर सिंह का पक्ष रखते हुए रिश्तेदार जसवीर सिंह ने आरोपों को खारिज कर दिया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि हरमनप्रीत सिंह अपने साथियों के साथ स्कूल के बाहर बलजिंदर सिंह को मारने की नीयत से तेज धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में बलजिंदर की गाड़ी के शीशे टूट गए। बलजिंदर अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी की गति तेज कर दी। इस दौरान हरमनप्रीत जानबूझकर कार की बोनट पर लेट गया। उन्होंने कहा कि बलजिंदर सिंह को चोट लगने के कारण सिविल अस्पताल कपूरथला में दाखिल करवाया गया है, जहां पर उसका इलाज हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले भी बलजिंदर सिंह पर झूठा मामला भी दर्ज करवाया था। उन्होंने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। जेड़ा बलजिंदर सिंह है वो मेरा भणवैया वा, वो एक पेशेंट आ, टीवी ते शुगर का पेशेंट आ। जेड़ा हरमन सिंह उत्ते दोष ला रहा वो बिल्कुल बेबुनियाद आ, वो कोई भी उन्हें उहदे नाल इदां दा नहीं कीता, बल्कि वो आपदे छुट्टी जिहड़ी लीव आ वो मेडिकल छुट्टी ते सी, वो आपदी लीव देने वास्ते आपदे स्कूल जिथे पढ़ाउंदा वा पिंड शालापुर बेट, वो ते उहदी वाइफ दोनों लीव देन गए सीगे। वो बंदिआं ने उसदी रेकी कीती आ, रेकी ग्लास गलैक्सी स्कूल, पहलां उहनां दी बेटी आ उहनां दी छोटी पढ़दी ग्लास गलैक्सी स्कूल सुल्तानपुर, उन्होंने खाना दिता। उत्थों किसी मुंडे ने फोन किया उन्होंने कि वह मास्टर इतने स्कूल आया वा, उदों ही उन्होंने रैकी मगर की है जाके जो शालापुर बेट पहुँचे आ, उसकी वाइफ जी वो पेशेंट होने करके गड्डी बैठा रहा, उसकी वाइफ जी अंदर देन गई लीव मास्टर, जो मास्टर लीव देन गई आ तो वह अंदर ही आ जे, तो इन्होंने मुंडिया ने आके जो कि हरमन सिंह वगैरह
इन्हों ने आके गड्डी दे बारियां पट्टन की कोशिश की तो उन्हें दौदा गड्डी लॉक कर ली सी जे मैं देख के कि मुंडे बहुत आ गए। ये हरमन ने भज के इन्हों के कोल दफ्तर से तिना चौं मुंडियां दे कोल बाकी एक गड्डी सी दो मोटरसाइकिल सी जो उन्होंने चला स्कूल के मूहरे भज के ये हरमन ने दबदब इन्हें देखा कि मुंडे पै गए मेरी गड्डी नूं। ये हरमन भज के मूहरे जो दरवाजे नहीं मुंडिया तो खुले ये भज के मूहरले बुनट से चढ़ गया चढ़ के तो शीशा तोड़न लगा जो शीशा तोड़न लगा तो उसने बलजिंदर सिंह ने गड्डी भजा तुर गई इन्हें मैं मार देना दफ्तर देख के और डर उन्हें गड्डी भजाई आनू कह रहा उतर जा वो कहता रहा नहीं तेनू अजे छड़ना नहीं मुंडे नाल ही गड्डिया भजा तुरे मोटरसाइकिल और डर दे ही गड्डी भजा के सुल्तानपुर लाया सुल्तानपुर भी उन्होंने कित सेफ जगह जा डरते मारे नू कि गड्डी मैं रोकदा उन्हों वो मगर उन्होंने डर तो उन्हें कपूरथले आलू गड्डी सुल्तानपुर रोक। वहीं इस पूरे मसले पर थाना प्रभारी तलवंडी चौधरिया सब इंस्पेक्टर जसपाल सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे की वीडियो भी चेक की जा रही है। पीड़ित के बयानों के आधार पर ही आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी भाई सवेरे की घटना हुई जी एक लड़के नूं गड्डी दी बोनट ते लेके घुमाया जांदा पिया शहर च इहदे बारे जिहड़ी इनफॉर्मेशन मिली सी उहदे बारे तसदीक कीता गया ते वेरीफिकेशन चल रही है कल्प्रिट असीं फड़ चुके हैं ते बाकी पूरा वेरीफाई करके असीं तुहानूं रिपोर्ट देवांगे। कोई जख्म कोई दाखल भी है हस्पताल टिब्बा च? हाँ जी हाँ जी दाखल भी है।